उम्मीदवार सुरेश राजे नामांकन भरने से पहले भावुक नजर आए। नामांकन भरने जाने से पहले मां का आशीर्वाद लेते हुए सुरेश राजे की आंखें छलक आई। मां ने भावुक बेटे को संभाला और जीत का आशीर्वाद देकर नामांकन भरने के लिए विदा किया। वहीं सुर्खी से कांग्रेस प्रत्याशी पारुल साहू का चुनावी अंदाज लोगों को काफी पसंद आ रहा है। पारुल साहू प्रचार के दौरान एक घर में पहुंची जहां उन्होंने घर पर खाना बना रही महिला का हाथ बिठाया। खाने के बाद साथ में खाना भी खाया। सोशल मीडिया पर पारुल साहू का ये अंदाज काफी वायरल हो रहा है। वहीं धार के बदनावर में बीजेपी और कांग्रेस पदाधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। दोनों ही दलों पर कोविड-19 के नियमों के उल्लंघन को लेकर कार्रवाई की गई। बीजेपी प्रत्याशी राज्यवर्धन सिंह ददीगांव के चुनावी एजेंट धर्मेंद्र शर्मा ने कैलाश विजयवर्गीय और फग्गन सिंह कुलस्ते की सभा में 100 लोगों के शामिल होने की परमिशन ली थी, लेकिन सभा में 1000 से अधिक लोग शामिल हुए। इसी तरह कांग्रेस प्रत्याशी कमल सिंह पटेल के समर्थन में 5 वाहनों की परमिशन ली गई थी, लेकिन 50 से अधिक वाहन शामिल होने पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष निरंजन पाल सिंह पवार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।